दक्षिण बस्तर क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान सुरक्षा बल द्वारा माओवादियों के दो कैंपों को ध्वस्त किया गया है। इन कैंपों से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ, दैनिक उपयोगी सामग्री और नक्सल साहित्य बरामद किया गया है। बस्तर में नक्सलवादियों के खिलाफ अभियान जारी है। दंतेवाड़ा बीजापुर के सीमावर्ती थाना बारसुर भैरमगढ़ के सरहदी क्षेत्र के ताकीलोड़ के जंगल में माओवादी के कैंप ध्वस्त किए गए हैं। सुकमा के पोटकपल्ली तथा पोलमपल्ली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पालामड़गू में सुरक्षा बलों और ग्रामीणों को नुकसान पहुंचाने के लिए माओवादियों के 1214 नग स्पाइक्स को सुरक्षा बल ने बरामद किया है। बीजापुर के बासागुड़ा तर्रेम एवं पामेड़ के जंगल से माओवादियों के कैंप को ध्वस्त कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक और नक्सल साहित्य जब्त किया गया है। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर सुंदरराज पी ने बताया, 1.5 महीने में 8 से अधिक माओवादी कैंप को ध्वस्त किया गया है। कैंप ध्वस्त करने के साथ साथ माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं तथा 26 माओवादियों को गिरफ्तार भी किया गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।